हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारे पास गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। दोस्तों, जब हमें इसे अप्लाई किया था, उसके 12 दिन बाद हमारे पास गूगल एडसेंस पिन आ गया। दोस्तों, ये सभी यूट्यूबर का सपना होता है कि आखिर हमारा गूगल एडसेंस पिन कब आएगा। दोस्तों, जब उसके पास गूगल एडसेंस पिन आ जाता तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपका गूगल एडसेंस पिन कब आएगा। दोस्तों, जब आपका यूट्यूब चैनल मोनोटाइज हो जाएगा, उसके बाद आपके गूगल एडसेंस में $10 हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक एक्शन बटन दिखाई पड़ेगा, उस पर आपको एक आइडेंटिटी देकर आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद उसी डिटेल पर उसके साथ साथ दोस्तों आपको वहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों, हमने ऑलरेडी उसके लिए एक वीडियो बनाया है, आई बटन पर आप जाकर आप वहां पर जो है उस वीडियो को देख सकते हो, कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हो गूगल एडसेंस को। तो दोस्तों, आप उस वीडियो देखने के बाद आप जो है कि उस गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके गूगल एडसेंस में $10 हो गए होंगे तो। तो दोस्तों, ये हमारा $10 होने के बाद गूगल एडसेंस पिन हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम इसे ओपन कैसे करेंगे और इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होगा, कैसे हम अपने आप यहाँ पर जो है कि इस पिन को अपने गूगल एडसेंस पिन से वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस पिन को अनबॉक्स करना होगा। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो किनारे किनारे लॉक लगा हुआ है इसको आपको फाड़ना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इसे फाड़ देना है। जैसे कि आप देख सकते हो, किनारे किनारे जो लॉक लगा है इसे हम हटा देते हैं इस तरह से। दोस्तों, जो है कि तीन तरफ से लॉक लगा है, इसके बाद दोस्तों हम इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों, जैसे हम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 6 डिजिट का जो है कि आपको पिन दिया है, इसे आपको अपने गूगल एडसेंस पिन में वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा जो है कि दोस्तों अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मैं आपको वहाँ पर सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, इस पिन में इस साइड में आपको जो है कि इसका स्टेप भी लिखा हुआ है कि आप कैसे जो है कि अपने गूगल एडसेंस में इसे वेरीफाई कर सकते हो, सारा कुछ आपको इस एडसेंस पिन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको वहाँ पर सारी डिटेल सारा प्रोसेस आपको बता देता हूँ, कैसे आपको कौन सा प्रोसेस करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पर गूगल एडसेंस को लॉगिन किया है। तो दोस्तों, आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर थोड़ा जूम करना है, उसके बाद आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा वेरीफाई यूवर मेलिंग एड्रेस। तो दोस्तों, उसके नीचे आपको वेरीफाई बटन दिखाई पड़ रही होगी, तो दोस्तों आपको वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आपको यूवर पिन दिखाई पड़ रहा होगा, तो आपको यहां पर आपके एडसेंस में जो पिन है आपको वहां पर एंटर कर देना है। दोस्तों, एक बात आपको यहां पर ध्यान रहे, यहां पर सिर्फ आप 3 बार इसे डाल सकते हो। दोस्तों, अगर 3 बार से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका यह पिन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा रिप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से आपके जो एडसेंस में पिन है बिल्कुल ध्यान से आप यहां पर एंटर कीजिए। तो दोस्तों, मैं यहां पर जो हमारे गूगल एडसेंस में पिन है मैं यहां पर एंटर कर देता हूं। जैसे कि दोस्तों हमने यहां पर पिन को एंटर कर दिया। दोस्तों, पिन को एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा जो बिलिंग एड्रेस हैज बिन वेरीफाइड, यानी दोस्तों हमारा ये पिन सक्सेसफुल हो चुका है, सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप जो है कि अपने गूगल एडसेंस पिन को वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।